हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मल्टी के वेल्थ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजेबल होने वाला है क्योंकि हम जानेंगे एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। ये है एक एसएमई आईपीओ जिसका नाम है रुद्रा गैस एंटरप्राइज आईपीओ। तो वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि हम जानेंगे इस आईपीओ से रिलेटेड हर बारीक डिटेल, इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में और अंत में हम जानेंगे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में भी। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से वीडियो है ताकि आपको आपके पर्सनल फाइनेंसेस में हेल्प मिले। और अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को, किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को जरूर कंसल्ट करें या फिर प्रॉपर रिसर्च कर ही स्टॉक मार्केट में निवेश करें क्योंकि स्टॉक मार्केट हाईली रिस्की कंसिडर की जाती है। तो आइए जानते हैं। तो रुद्रा गैस आईपीओ फिक्स हो चुका है। इसका इशू होने वाला है 14.16 करोड़ रुपए का। इंटायरली ये फ्रेश इशू है। जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आप हमेशा इसका इशू साइज जरूर देखें और उसमें से कितना फ्रेश इशू होने वाला है वो भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ये इशू फरवरी 8 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और फरवरी 12 यानी कि मंडे इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी। बी लाइन कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड इसके लीड मैनेजर रहेंगे और लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसके रजिस्ट्रार रहेंगे। फेस वैल्यू होगी 10 रुपी पर शेयर। प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 63 रुपी पर शेयर। लॉट साइज रहेगा 2000 शेयर्स का। इसका मतलब है कि आप मिनिमम 2000 शेयर्स ही इसके अप्लाई कर पाएंगे या फिर इसके मल्टीपल में ही आप फर्दर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एक लॉट में 2000 शेयर्स के लिए या फिर आप 4000 शेयर्स या 6000 शेयर्स इसी तरह आप अप्लाई कर पाएंगे लॉट वाइज, क्योंकि आईपीओ हमेशा लॉट वाइज अप्लाई होता है। और ये इशू साइज होने वाला है टोटल 22,48,000 शेयर्स का। इंटायरली ये फ्रेश इशू रहेगा। इसकी लिस्टिंग बीएससी एसएमई पर होगी। जो भी मेन स्ट्रीम आईपीओस होते हैं वो एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हैं, बट एसएमई आईपीओ या तो बीएससी एसएमई पर होता है या एनएससी एसएमई पर लिस्टिंग होती है। तो इस पर्टिकुलर आईपीओ की लिस्टिंग बीएससी एसएमई पर होगी। अलॉटमेंट डेट ट्यूजडे फरवरी 13 होगी। रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे जिन्हें भी आईपीओ अलॉट नहीं होगा बाय वेडनेसडे फरवरी 14। डीमैट में भी सेम डे क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स ऑन वेडनेसडे फरवरी 14 इटसेल्फ। लिस्टिंग डेट रहेगी थर्सडे फरवरी 12 और यूपीआई मैंडेट एक्सेप्ट करने की टाइमिंग्स रहेंगी शाम को 5 बजे ऑन फरवरी 12। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मिनिमम लॉट वाइज ही अप्लाई कर पाएंगे, तो एक लॉट में होंगे 2000 शेयर्स, तो रिटेल निवेशक मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यानी कि 2000 शेयर्स के लिए और टोटल अमाउंट होगी 1,26,000। एचएनआई निवेशक 2 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिनिमम उन्हें अप्लाई करने होंगे और 2,52,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी स्मॉल एचएनआई निवेशकों के लिए। इस आईपीओ के आने से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग 99.99% थी और ये इशू आने के बाद 73.03% रह जाएगी। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, इशू आने के बाद भी प्रमोटर्स के पास एक काफी अच्छा शेयर, काफी बड़ा शेयर रहेगा। तो अगर ब्रीफ में बात की जाए इस कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 2015 में और बेसिकली ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, फाइबर केबल नेटवर्क्स में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में और व्हीकल रेंटल में भी ये कंपनी काम करती है। तो काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है इस पर्टिकुलर कंपनी का। रेवेन्यूज 12.76% इंक्रीज है और इसके प्रॉफिट्स 96.21 टाइम्स इंक्रीज है। तो काफी अच्छा खासा इजाफा है, रेवेन्यू मेकिंग फर्म है, अच्छे खासे प्रॉफिट बना रही है, एसेट्स भी काफी अच्छे मेंटेन है, रेवेन्यू मेकिंग फर्म है, नेटवर्क भी काफी अच्छा है कंपनी का, सफिशियंट रिजर्व्स एंड सरप्लस भी अवेलेबल है। बट ये कंसर्न रहेगा कि कुछ बोरोइंग्स है कंपनी पर, टू इक्विटी रेशियो काफी हाई है 2.18। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा है 57%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो वेरी गुड 25%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 44.09% है, वो भी काफी अच्छा नंबर है। तो बोरोइंग्स डेट्स को छोड़ के अदरवाइज कंपनी के फाइनेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस लाइन काफी स्ट्रॉन्ग है। आइए जानते हैं इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में भी। तो ये आईपीओ अब तक 66.35 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में 108.26 टाइम्स क्यूआईबी और
स्मॉल HNI NNI कैटेगरी में ये 24.38 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस पर्टिकुलर IPO का है। इस IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम 40 रुपए के आसपास चल रहा है, तो इसका इस IPO का प्राइस बैंड है 63 रुपी, यानी कि 103 के आसपास ये IPO लिस्ट हो सकता है, और इस IPO से आप बना सकते हैं 63.49% का लिस्टिंग गेन। अगर इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम के ट्रेंड के बारे में देखें तो 5th को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 था, फिर 30, 35, 40 के आसपास अब चल रहा है, तो लगातार इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। बाकी इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम मैं इसकी लास्ट डे पर जरूर रिव्यू करना चाहूंगी इस IPO में निवेश करने से पहले, लेकिन मैं इस IPO पर बुलिश हूँ, मैं इस IPO के लिए पॉजिटिव हूँ, मैं इसमें निवेश करने जा रही हूँ। आपकी राय इस IPO के बारे में क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भूलिएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज प्रेस दी बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टीकैप वेल्थ।